जर्नी टू आसाम पासीघाट। तो ये जर्नी हमारी ईटानगर से शुरू हुई और हम लोग पासीघाट तक जा रहे हैं, और 5 आवर्स का रास्ता है, 5 घंटे का रास्ता है। और हम लोग 5 बजे चले थे, अभी 7 बज गए हैं, अभी है और काफी, एक जगह रुके थे रास्ते में। दोस्तों, ये पासीघाट तक जाने वाले खूबसूरत रास्ते हैं जो कि असम के खेतों खलिहानों के बीच में से जाते हैं। आप देख सकते हैं असम की उपजाऊ ज़मीन, उसमें भरा हुआ पानी और साथ में खड़े हुए पहाड़, ये अपने आप में बेहद खूबसूरत और संजीदा लगते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आप पासीघाट हिल स्टेशन के नज़दीक पहुंचेंगे, रास्ते और खूबसूरत होते जाएंगे, पेड़ पौधे और हरियाली लगातार बढ़ती जाएगी और आपका आनंद दोगुना होता जाएगा। साथ में बीच बीच में आपको बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिलेंगी जो कि इन पहाड़ों से निकल करके आती हैं मैदानों की तरफ। तो दोस्तों, इन सब को देख करके आपका रोमांच लगातार बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे हम पासीघाट पहुंच गए। ये पासीघाट टाउन का नज़ारा है। हालांकि हमारा उद्देश्य शहर देखना नहीं था, तो हम यहां से झट से ही बहुत कम समय में आगे के लिए निकल लिए। फिलहाल आप इस भी खूबसूरती को देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों के वहां पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। हमें कार के अंदर से ही पहाड़ों को देखना पड़ा, पर हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े वादियाँ और खूबसूरत होती गई। और इस तरह हम लोग सबसे पहले पहुँचे सियांग रिवर की तरफ, जो कि पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आ गई थी। तो उसके पुल पर हम लोग पहुँचे और हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके उस नदी के पानी और उसकी धार को देखा। दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा को ही अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जाना जाता है। यह ईस्टर्न हिमालय से निकल करके पासीघाट के आसपास मैदानों में प्रवेश करती है। अभी इसमें बहुत पानी भरा हुआ है, इसके कारण से इसका रंग मिट्टी के रंग जैसा दिख रहा है। सियांग के बारे में कई जानकारियां हमारे साथ गए ज्योग्राफी के एक्सपर्ट तिवारी जी ने दी, तो आइए उनसे सुनते हैं। हमेशा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है सियांग का, जो पानी वहाँ से आता है सर, वहाँ से आके वहाँ सीधा स्ट्राइक करता है। ओके। स्ट्राइक करके क्या हो जाता है कि ये पावर जो होता है ना, इस तरफ बैंड टर्न कर देता है। इसका वजह से पासीघाट टाउन बचा हुआ। हाँ, नहीं तो पूरा अगर फुल स्पीड उसको मिलता ना, तब मतलब यहाँ पानी डूब जाता है। इसका पानी जो है इस तरफ चला जाता है, जो कि यहाँ डाइंग इरिंग सेंचुरी इधर ही है सर। हाँ, अच्छा, डाइंग इरिंग सेंचुरी आगे है जहाँ आपको भैंस, जंगली भैंस ज़्यादा मिलता है। हाँ। अरे, आप मेरा वीडियो बना रहे हैं। हाँ, तो मुझे तो दोस्तों, इसके साथ ही फिर से बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी क्षेत्रों में कब बारिश हो जाए, कब बंद हो जाए, आपको पता नहीं रहता है। और हमारी एक्सपर्ट टीम आगे के लिए रवाना हो गई, पर नदी के किनारे अभी मेरा पोज देना बाकी था, तो मैंने थोड़ा सा रोक करके पोज दी। आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा हंसी भी आ रही होगी, लेकिन क्या किया जाए, इंसान हूँ। इसके बाद हमें पहाड़ियों पे चढ़ना था क्योंकि नदी को पहाड़ से उतरते देखना था, परंतु उसके बीच में इतने खूबसूरत झरने थे कि हम मंत्रमुग्ध हो गए, अपने आप को रोक ही ना सके। और हम बीच बीच में उतर करके इस खूबसूरती को भीगते हुए अपने कैमरे में कैप्चर करने लगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस पॉइंट पर ब्रह्मपुत्रा पहली बार पहाड़ों के बीच में अपना विकराल रूप ली हुई दिखती है। आप यहां देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में बहता हुआ ब्रह्मपुत्रा का पानी। हालांकि यहां पानी की स्पीड ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मपुत्रा अपने आप में बेहद ही खूबसूरत लग रही है। हल्की हल्की बारिश में इसकी खूबसूरती लगातार बढ़ रही है, ये मुझे भी आप देख सकते हैं। मैं भी मुस्कुरा करके इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहा हूँ। पर भी हमें एक्सपर्ट के रूप में बिमल सर और अरुण जी ने बहुत सारी जानकारियाँ दी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि ब्रह्मपुत्रा कैसे नीचे उतरती है और कैसे आगे बढ़ती है, यहाँ के लोगों की लाइफ में ब्रह्मपुत्रा की क्या यूटिलिटी है। और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे ब्रह्मपुत्रा की धार के अपोजिट रोड पर आगे बढ़ते गए। आगे हमें पोंगिंग पॉइंट मिला। पोंगिंग पॉइंट एक जगह है जहां पर पोंगिंग नाम का एक गांव है।
इस जगह पर पहाड़ियों का रंग काला है और काली पहाड़ियों के बीच में हरे हरे पेड़ बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। आप देख सकते हैं पोंगिंग पॉइंट की खूबसूरती, यह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और हम लोग एनालिसिस करने लगे कि इन पहाड़ों में क्या क्या रिसोर्सेस हो सकते हैं। उसके साथ ही मैंने थोड़ा अंदर जा कर के भी वीडियो बनाया, यहाँ पर बैठने की जगह भी थी, हमारे साथी पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो चुके थे। अब मैं इन काले पहाड़ों की हरियाली थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे काले पहाड़ों के बीच में हरी हरी झाड़ियाँ और पहाड़ों के ऊपर पेड़। यहाँ हमारी टीम पोंगिंग पॉइंट पर चढ़ गई और पूरे हिमालय का एनालिसिस करने लगी। आप देख सकते हैं इस जगह पर दो नदियाँ आकर के मिल रही हैं, एक तरफ से ब्रह्मपुत्रा या आप जिसे कह सकते हैं सियांग आती है और दूसरी तरफ से उसकी एक सहायक नदी सियांग, एंड दिस रिवर इज यामगो, बोथ रिवर्स आर कन्फ्लुएंसिंग हियर, और ऊपर एक पेड़ है, बीच में एक आइलैंड रॉक है। अब इस खूबसूरती को खुद देख करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों को भी मेरे साथ जोड़िए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहीं पोंगिंग पॉइंट के पास एक डैम भी प्रपोज हुआ है, लेकिन उसमें कुछ व्यवधान हैं, हमारे एक्सपर्ट कुछ बता रहे हैं। पोंगिंग पॉइंट बोलते हैं, पोंगिंग पॉइंट पोंगिंग विलेज उधर है, आप दिखा दीजिए। तो ये पोंगिंग विलेज है जिसने इलेक्शन में वोट को बाइकॉट कर दिया था क्योंकि नो इलेक्ट्रिसिटी नो वोट, और ये पोंगिंग विलेज एकदम सियांग नदी के किनारे है। यहीं पर एक डैम प्रपोज हुआ था, लेकिन अगर इस साइड पे डैम बनेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो पानी रुकेगा और ये सारे गांव डूबने की कगार पे आ जाएंगे, तो इसलिए इसका डैम का भारी विरोध हुआ था। डैम सरकार का विषय है पर जो मुझे पता चला वो मैंने आपको बताया। इसके बाद हमारी रिसर्च टीम के हेड बिमल सर ने सियांग नदी के खूबसूरत किनारों के बारे में बताया और देखने की इच्छा जाहिर की। फिर आखिर में प्लान ये बना कि पासीघाट के दूसरे किनारे पर भी सियांग नदी बहुत खूबसूरत दिखती है और क्यों ना उस तरफ चला जाए जहां सीधा नदी बहुत सारे बोल्डर्स को लेकर के नीचे उतरती है। तो इसके साथ ही अब हम पहुँच गए हैं इस नदी के किनारे जहाँ पर ये पासीघाट के दूसरे छोर से निकल रही है और आप देख सकते हैं खूबसूरत पहाड़ियों के बीच खूबसूरत नदी, उसका खूबसूरत किनारा, पास में पड़े हुए बहुत सारे पत्थर, और ये नदी किसी समुद्र के किनारे से कम नहीं लगती है। आप देख सकते हैं आसपास के जंगल, यहाँ पर आए हुए लोग, और इस तरह से यह बहुत ही लुभावनी लगती है, मन करता है घंटों बैठा जाए। मुझे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिखी, यहाँ के पत्थरों को इकट्ठा करके यहाँ की जैव विविधता को दिखाने के लिए एक क्रोकोडाइल का शेप दिया गया है। आप देख सकते हैं यह अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगता है, एक बहुत बड़ा सा क्रोकोडाइल जैसा आकार, पत्थर का क्रोकोडाइल मैंने भी पहली बार देखा। और फिर मैं देखने लगा इस नदी की विशालता, इसके चारों तरफ फैले हुए पहाड़, पहाड़ों के बीच में उड़ते हुए बादल और इन बादलों से होने वाली रिमझिम बारिश, इस नदी की खूबसूरती ने मुझे पोज देने के लिए विवश कर दिया। और आप देख सकते हैं मेरा खूबसूरत सुंदर सा चेहरा और मेरे पीछे बहती हुई ये नदी, और मैंने कई तरीके से पोज दी। इस नदी के किनारे मैं अपने आप को कैप्टन जैक स्पैरो से कम नहीं समझ रहा था क्योंकि ये नदी मुझे वो फील दे रही थी। सच में अरुणाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत है और वहाँ टूरिज़्म की असीम संभावनाएं हैं। मेरा मन कर रहा है मैं आपको ये बार बार दिखाता रहूं, लेकिन आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए बस मैं आखिरी बार आपको इस नदी की विशालता दिखा करके, इस नदी की खूबसूरती दिखा करके विदा लेता हूँ। अगर मेरी सकल और अरुणाचल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।